साथ हितेश व्यास, और आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो मुख्यमंत्री के निशाने पर सांसद हैं, क्यों इस तरह से उनको ये कहना पड़ा है, किस तरह की परिस्थितियां यहां पर बन रही हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को निशाने पर लेना पड़ा, इसी के इर्द गिर्द आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों पर जोरदार हमला बोला। छत्तीसगढ़ के हिस्से की लंबित राशि, जो केंद्र की राशि है, वो राज्य को नहीं मिलने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के सांसदों को जिम्मेदार ठहराया है कि जो हमारे हिस्से की राशि है, जो केंद्र से हमको मिलनी है, वो अगर नहीं मिल रही है तो इसके लिए ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की है, जिनको ये आवाज वहां उठानी चाहिए लेकिन वो उठाते नहीं। सीएम ने कहा कि केंद्र में चूंकि भाजपा की सरकार है, पर भाजपा सांसदों की बोलती बंद है, हमारे हिस्से का हजारों करोड़ रुपया लंबित है लेकिन भाजपा सांसद मुंह नहीं खोलते। अगर ये पैसा छत्तीसगढ़ को मिलता तो राज्य हित में होता। वहीं भाजपा की तरफ से भी इस पर कहा गया, सीएम पर विकास के मुद्दे पर सांसदों से बात नहीं करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। पहले इस मुद्दे को इस रिपोर्ट के जरिए देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खैरागढ़ उपचुनाव में बंपर जीत से उत्साहित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य के भाजपा सांसदों पर करारा हमला बोला है। छत्तीसगढ़ में पेंडिंग विकास कार्यों के संबंध में जब पत्रकारों ने सीएम से सवाल किया तो उन्होंने बड़े तल्ख अंदाज में छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के सांसद एक बार भी छत्तीसगढ़ के हक की आवाज नहीं उठाते, केंद्र में भाजपा की सरकार है इसलिए इनकी बोलती बंद है। एक बार भी छत्तीसगढ़ के हित में केंद्र सरकार के सामने उनका हक रखना, वो समझते हैं कि इससे विरोध होगा, जबकि छत्तीसगढ़ के हित में उनको बात रखनी चाहिए और कभी नहीं रखते। केंद्र से छत्तीसगढ़ की लंबित राशि की मांग नहीं करने पर भाजपा सांसदों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है पर इनकी बोलती बंद है, हजारों करोड़ रुपए लंबित हैं मगर भाजपा सांसद मुंह नहीं खोलते, अगर ये पैसा छत्तीसगढ़ को मिलता तो राज्य हित में होता। भाई 11,000 करोड़ रुपया हमारे सीआरपीएफ यहाँ पदस्थ है, उसके पैसा काट लिए हमारे हिस्से का, 13,000 करोड़ हमारे सेंट्रल एक्साइज का कटा है, जीएसटी अभी जून में खत्म हो जाएगा, जो कंपनसेशन मिलता था 5,000 करोड़ का वो भी काम हो जाएगा, इस प्रकार से 4,000 करोड़ से अधिक राशि जो कोयले में रॉयल्टी में जो पेनल्टी लगा था उसका पैसा है, ये राज्य के वो मिलता तो निश्चित रूप से राज्य के विकास में ये बड़ा हिस्सा होता, लेकिन चूँकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार ही, सांसद ही उनके हैं, इसे चुप रहते हैं। वहीं इस मामले पर पूर्व मंत्री राजेश मूनत का कहना है कि पहले तो मुख्यमंत्री बताएं कि केंद्र सरकार के साथ उनकी अब तक किन किन विषयों पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर वित्त मंत्री से यहाँ के मुख्यमंत्री केवल पत्र व्यवहार करते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ के भाजपा के सांसदों के साथ कभी भी राज्य के विकास कार्यों को लेकर चर्चा ही नहीं करते, न ही विकास के संबंध में कभी सहयोग की अपील करते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं ही अपने आप में वन बेंच जो हैं, दिल्ली पत्र व्यवहार करते हैं, ना कभी कि यहाँ के सांसदों के साथ में बैठ करके चलिए हम लोग मिल करके छत्तीसगढ़ के विषय को लेकर के केंद्रीय मंत्री से मिलना, ये कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल नहीं की, सिर्फ वह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सांसदों में से 9 भाजपा के सांसद हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में भाजपा के 2 सांसद रामविचार नेताम और सरोज पांडे भी शामिल हैं। राज्य की भूपेश बघेल सरकार लगातार केंद्र सरकार पर राज्य के हिस्से की राशि जारी नहीं करने के आरोप लगाती रही है। इस बार मुख्यमंत्री ने सीधे राज्य के भाजपा सांसदों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री सांसदों के साथ कभी भी राज्य के विकास कार्यों को लेकर चर्चा ही नहीं करते। रायपुर से मोहम्मद हसन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की। दरअसल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा था, वहां की जो राशियां हैं पेंडिंग पड़ी हुई हैं उसको लेकर, जो कि हमारे हिस्से की है,
उसको लेकर उन्होंने सीधे निशाने पर लिया भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की, कि सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए चुप्पी साधे रहते हैं, बोलते नहीं हैं, यहाँ के हक की आवाज़ उठाते नहीं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आपने यहाँ के सांसदों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कभी साथ लेकर बैठकर चर्चा ही नहीं की, तो कैसे यहाँ पर विकास की स्थितियों पर बात हो पाएगी। बहरहाल इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त संतोष पांडे साहब हैं, राजनांदगांव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। संतोष पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं संजीव शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं और तेज तरार वक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। और साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हैं, जो लंबे समय से छत्तीसगढ़ के गठन के समय से भी और छत्तीसगढ़ के गठन के पहले से भी लगातार इन तमाम चीज़ों को देखते आए हैं। संतोष पांडे साहब, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे आरोप लगाए और गंभीर निशाना साधते हुए ये कहा है कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिनको छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई मुद्दों को आवाज उठानी चाहिए वो उठाते नहीं है अपनी बात, इसलिए हमारे हिस्से की जो राशि वहां अटकी हुई है वो हमको मिल नहीं रही है। क्या कहेंगे सर इस पर? छत्तीसगढ़ के सांसद हमारे, चाहे मोहन मंडावी हो, अजगले जी हो, गोमती साय हो, अरुण साव जी हो और माननीय विजय बघेल, सुनील सोनी जी से लेकर के मैं स्वयं, ये सभी सांसद बहुत ही सदन के अंदर मुखर हैं और इसे आम जनता कहती है कि पहली बार छत्तीसगढ़ के सांसद इतना प्रश्न करते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब मिलता है। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उनकी कार्यप्रणाली को और हमारे माननीय श्री ओम बिड़ला जी जो हैं, ये किसी को वंचित नहीं रखते, बल्कि बोल बोल करके भी उनसे प्रश्न करवाते हैं और सब प्रकार से उन्हें प्रश्न करने के लिए कहते हैं। मैंने जितना प्रश्न किया है, हमारे सभी सांसदों ने, मैं कह सकता हूं कि बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया है और प्रश्न करे या ना करे, ये विशेषता माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उनके मंत्रिमंडल की रही है कि बिना कहे छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने खजाना खोल दिया है। और बल्कि मैं, आप जैसा बोल रहे थे भूमिका में, तो मैं तो ये कहूंगा कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये स्वयं तो कुछ कर सकते नहीं, ये सेंट्रल मिनिस्टर के समय पत्र लिखेंगे, ये वहां लेटर लिखेंगे, सुझाव देंगे, कब सांसदों को बुला करके उनकी पीड़ा पूछे हैं। मैं पूछना चाहता हूं डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड पर, ये तो सांसदों को निकाल बाहर किए थे। हम सब सांसद जब वहां मांग किए सदन के अंदर, जब हम वहां डिमांड किए कि कम से कम सांसदों को तो रखिए आप, प्रभारी मंत्रियों को आप अध्यक्ष बना दिए हैं, तब जा करके उन प्रभारी मंत्रियों को जिले से हटाया गया डीएमएफ से और कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया गया, ये तो हमको कहीं का नहीं छोड़े थे, निकाल बाहर किए थे। जीत करके आए हैं लाखों की संख्या में, बड़ी बड़ी आबादी में, जहाँ 14-15 लाख यहाँ लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के बीच से। यही तो सवाल है संतोष पांडे जी मेरा, यही तो सवाल है जो आपने अभी बात कही कि लोगों ने आपको जिताया है, आपको सांसद बनाया है, बड़ी संख्या में लोगों ने आपके पक्ष में वोट दिया इसलिए आप सदन तक पहुंचे। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या आप लोग मुख्यमंत्री द्वारा बुलाए जाने का, एक टेबल पर बैठकर यहां की समस्याओं की चर्चा कर लिए जाने का इंतजार कर रहे हैं? चूंकि जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप लोगों की भी है, अगर छत्तीसगढ़ के हिस्से का पैसा केंद्र से नहीं आ रहा है, ये जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि अलग अलग मदों का उन्होंने जिक्र भी किया, वो पैसा अगर यहां आ जाता तो छत्तीसगढ़ के हित में होता, तो क्या इस सिलसिले में भी, इस संदर्भ में भी आप लोगों की तरफ से कभी कुछ पहल की गई, या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी जब आपसे चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद आप लोग इस सिलसिले में भी आगे बढ़ेंगे? आदरणीय, आपने बहुत अच्छा विषय रखा, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है जी। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की विशेषता रही है, वो बिना कहे, बिना किसी के डिमांड के, बिना पक्षपात के, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, या केजरीवाल का दिल्ली हो, या भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ हो, वो भेदभाव नहीं करते। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर
ये फला जिला पंचायत ये तो भारतीय जनता पार्टी का है, ये जनपद पंचायत तो ये भारतीय जनता पार्टी का है। मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं जिला पंचायत और जनपद के सदस्यों के साथ दुर्भावना रखी जाती है, द्वेष किया जाता है और भेदभाव पूर्वक कांग्रेस के सदस्यों को राशि दी जाती है, 15वें वित्त आयोग में उनको समायोजित किया जाता है और भाजपा के बेचारे जो जीत करके आए हैं जनप्रतिनिधि है उनको पूछा तक नहीं जाता, एक नहीं आप सर्वे करा लीजिए। ये भेदभाव पक्षपात केवल छत्तीसगढ़ में यह हो रहा है, ठीक है, ये नए संस्कृति की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है संजीव जी, क्या कहेंगे सीधे सीधे ये आरोप कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से बातचीत नहीं की जा रही, और पूर्व मंत्री को भी आपने सुना, उनका भी ये कहना है इस मसले पर, राजेश मूणत को भी आपने सुना कि सिर्फ पत्राचार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सांसदों से मिलकर बातचीत नहीं करते, अगर बातचीत हो तो विकास का कोई साझा रोड मैप तैयार हो सके, सब लोग मिलकर आगे बढ़ें, क्या कहेंगे संजीव जी? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, साधुवाद कहना चाहूँगा कि आज आपके चैनल के माध्यम से INH की टीम के माध्यम से कम छत्तीसगढ़ की जनता ने राजनांदगांव के सांसद महोदय को बोलते और देखते देखते वो सुन तो लिया, देख तो लिया, कम से कम भले टीवी स्क्रीन पर ही देखा, पर वरना इसके पहले मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की आधा आबादी से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो संतोष पांडे जी को ना नाम से जानते हैं ना चेहरे से जानते हैं। अब आते हैं माननीय भूपेश बघेल जी ने जो वक्तव्य दिया उस पर, माननीय भूपेश बघेल जी ने क्या गलत कहा? अगर आप सांसद बने हैं तो केवल वेतन भत्ता पाने के लिए तो नहीं बने हैं, आपको देश की छत्तीसगढ़ की जनता ने वेतन भत्ता पाने के लिए तो वहाँ नहीं भेजा है। आप महंगाई के मामले में सांसद बीजेपी के सांसद अपना मुंह बंद रखते हैं, GST के मामले में बीजेपी के सांसद अपना मुंह बंद रखते हैं, GST क्षतिपूर्ति के मामले में बीजेपी के सांसद अपना मुंह बंद रखते हैं, कोरोना के समय में लोगों ने कहा कि नमस्ते ट्रंप नहीं होना चाहिए, बीजेपी के सांसद अपना मुंह बंद रखते हैं। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री के कार्यालय से धमकी भरा लेटर आता है कि राजीव न्याय योजना बंद कर दीजिए, छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपया देना बंद कर दीजिए, अन्यथा सेंट्रल पुल से आपका चावल खरीदना बंद कर देंगे, लेकिन ये बीजेपी के सांसद अपना मुंह बंद रखते हैं। और जब इनका मुंह कब खुलता है? जब DMF फंड की बात आती है, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, मतलब जब DMF फंड की बात आई तो ये बीजेपी के सांसद आपस में घेराबंदी करके आपस में ग्रुप बना करके चले गए DMF फंड की लड़ाई लड़ने के लिए। बीजेपी के सांसद ने ऐसे ही ग्रुपिज्म छत्तीसगढ़ में राजीव न्याय योजना के लिए क्यों नहीं दिखाया? क्यों महंगाई के खिलाफ नहीं बोलते ऐसे ग्रुप बना करके? क्यों ये लोग बेरोजगारी के खिलाफ नहीं बोलते ऐसे ग्रुप बना करके? छत्तीसगढ़ की जनता अब इनको समझ चुकी है, और ये तो आपके स्टूडियो में प्रमाणित कर रहे हैं कि जब DMF फंड की बात आई तो इन्होंने ग्रुप बना करके जाकर बकायदा वो लड़ाई लड़ी, लेकिन छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की लड़ाई आपने सदन में कौन सी लड़ी? मैं संतोष पांडे जी से पूछना चाहता हूं, आप सम्मानित सांसद हैं, सदन पर आप पटल पर झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन कम से कम आज छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आप झूठ मत बोलिए। दो प्रश्न आपसे पूछता हूं, आप बताइए कि छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिए आपने कौन सी आवाज उठाई सदन के पटल पर? दूसरी बात, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, दूसरी बात कि आप आज भूपेश बघेल जी को बैठकर टीवी पर कोस रहे हैं, आपकी केंद्र सरकार ने कितने ही नाम छत्तीसगढ़ की सरकार को दिए हैं भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में, आपको पता है? बताइए ना, चलिए आप सांसद हैं, आप बताइए केंद्रीय सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ की सरकार को कितने पुरस्कार मिले हैं? मैं संतोष पांडे जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं, ठीक है? मेरे पास संजीव जी छोटे से कुछ आंकड़े हैं, आऊंगा उनके पास, लेंगे उनके पास, जरूर जाऊंगा मैं उनके पास जाऊंगा, पर मेरे पास में कुछ फिगर्स भी हैं, और ये लोकसभा के जो ऑथेंटिक फिगर्स हैं, 17वीं लोकसभा के 8 सत्रों में 1 अप्रैल से पहले तक का ये फिगर है, 216 सवाल अरुण साव जी ने पूछे हैं, जो सबसे ज्यादा सवाल हैं छत्तीसगढ़ के सांसदों की संख्या में, और हमारे साथ में संतोष पांडे जी भी हैं, संतोष पांडे जी ने भी 65 सवाल किए हैं, तो छत्तीसगढ़ के सांसद सवाल कर रहे हैं। गुहाराम अजगले जरूर इस मसले पर थोड़े पीछे रह जाते हैं, जिन्होंने पूरे सत्र के दौरान सिर्फ एक सवाल किया है, बाकी अमूमन सारे सांसदों ने सवाल जरूर पूछे हैं, लेकिन चूंकि बात यहां पर हो रही है कि छत्तीसगढ़ के हिस्से की जो फंड की राशि है जो आनी है, अगर वो आ जाती तो हित होता हमारा, उस पर मैं बातचीत करूंगा, चूंकि हमारे साथ में बाबूलाल शर्मा जी भी हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करता हूं, लेकिन चूंकि आपने सीधे सवाल संतोष पांडे जी से भी उठाया, संतोष जी एक बार आप जवाब अगर देना चाहें तो दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को कितने पुरस्कार मिले जी पांडे जी? जी जी ये हमारे संदीप भाई, नहीं संजीव भाई, मैं तो सोच रहा था कि बहुत अच्छा प्रश्न, चलो मैं मान लेता हूं उन्होंने जो प्रश्न किया,
कि और कुछ कहेंगे संदीप जी? संजीव जी, आदरणीय बाबूलाल जी शर्मा सुन रहे हैं हमारे विद्वान, और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं प्रदेश का महामंत्री भी रहा हूं जी, और मैं पंजाब में भी था पूरा पूरा 22 दिन। उसके पहले मैं झारखंड में था, बिहार में रहा, और अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए चुनाव में, प्रवास में। सर, छत्तीसगढ़ सरकार को कितने पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा मिले? बोलने दीजिए जी। और इसलिए हाँ मैं बोल रहा हूँ, बाहर रहने के कारण भी, किंतु बात यह है कि आप मेरे प्रश्न को देखिए, आप मेरे प्रश्न पर गौर करना। 100 सोनार का नहीं एक लोहार वाला रहा है मेरा प्रश्न जी, और उसमें छटपटाहट भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में हुई, बहुत पीड़ा हुई है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हितों के लिए कितने प्रश्न किए, कितने आवाज उठाए, अरे मेरा तो जाकर के वीडियो गूगल में देखो संदीप जी, मैंने जो प्रश्न किया है एक एक प्रश्न का यदि हिम्मत है तो उत्तर दो अभी। और रही बात महंगाई की, आपने महंगाई की बात की है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचता तो महंगाई की बात करते। सब जानते हैं कि चाहे डीजल पेट्रोल की बात हो, जहां से आता है वहां युद्ध चल रहा है, और युद्ध के बावजूद कि केवल भारत नहीं, अन्य देशों में स्थिति क्या है, यदि आपका बौद्धिक थोड़ी बहुत बुद्धि होगी तो दूसरे देशों का भी मुआयना कर लीजिए आप। आज 80 करोड़ जनता को, परिवार को, एक एक व्यक्ति यदि है तो 5 किलो, परिवार में 5 है तो 25 किलो, उसको अनाज मुफ्त देने का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, टीकाकरण मुफ्त देने का काम सांसद जी, चूंकि जो आज सवाल मेरे प्रश्न का जवाब आपने नहीं दिया। ठीक है ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा कितने पुरस्कार मिले सर? मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आपने इतने सारे लिस्ट बता दिए, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। संजीव जी वो विषय हम लोग, हाँ मैं आपको जो कुछ पुरस्कार जो मिले हैं उसके लिए बधाई देता हूँ सर, मुझे नहीं छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी को। बाबूलाल जी को चर्चा में शामिल करना है, बाबूलाल जी आप टीवी में उनको बधाई दे सकते हैं, आपने ट्विटर के माध्यम से तो दिया नहीं, आप कम से कम टीवी स्क्रीन पर बोलिए, भूपेश बघेल जी को बधाई दे दीजिए। संजीव जी प्लीज, आप जैसे ये हल्की वाली बात नहीं है। ठीक है संजीव, ठीक है, मुझे बाबूलाल जी, संजीव जी प्लीज, संजीव जी प्लीज, सरकार को कितने पुरस्कार मिले हैं? संजीव जी ठीक है, छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व करते हैं सदन में, मैं आपको बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि आपके नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा 40 से ऊपर पुरस्कार मिले हैं, और आपने एक भी पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को ना बधाई दी ना आपने शुभकामनाएं दी। ठीक है, बधाई उन्होंने दे दी। बाबूलाल जी मैं आपसे जाना चाहूंगा, ये दुर्भाग्यजनक बात है। अरे संजीव जी, मुझे चर्चा पे मुझे सवाल करने दीजिए, बाबूलाल जी जाना चाहेंगे आपसे मैं कि ये जो स्थितियां हैं, थोड़ा ज्यादा मेहनत करिए। ठीक है संतोष जी, ठीक है, बाबूलाल जी जाना चाहेंगे आपसे कि ये जो आज बात कही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, उन्होंने सीधे सीधे एक तरह से जो लंबित राशि है जिसको लेकर अक्सर अलग अलग मंचों पर न सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बल्कि सरकार के अलग अलग मंत्री भी बात उठाते रहे हैं, चाहे वो GST के संदर्भ में राशि हो, चाहे CRPF से संबंधित राशि हो, चाहे वो कोल से जुड़े हुई राशि हो, ये जो उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि हमारे सांसद जिनको वहां पर पूरी मुखरता से आवाज उठानी चाहिए छत्तीसगढ़ की, वो उठाते नहीं है, उनकी बोलती बंद रहती है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है बाबूलाल जी, किस तरह से लिया जाए उनके इस बयान को? क्योंकि प्रश्न नहीं पूछते ऐसा मैं नहीं मानता जी। संतोष पांडे जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, हाँ। सक्रिय सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, और हमेशा सक्रिय रहे इसीलिए वो आज सांसद हैं, और उनका प्रदर्शन संसद में भी है, मैंने देखा है कई बार, मैंने कुछ वीडियो भी देखे हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं असल में ये प्रश्न जो अपन बैठे हैं यहाँ डिबेट करने के लिए, वो प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की जो रकम बाकी है जी, उसके विषय पे किसी सांसद ने मुंह नहीं खोला, ये प्रश्न भूपेश बघेल ने उठाया है, बाकी पे सक्रियता पे किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। ठीक बात, किसी भी सांसद के सक्रिय हैं, दूसरे प्रश्नों को पूछते हैं छत्तीसगढ़ के, लेकिन ये
जो 33,000 करोड़ रुपए जो इनके बकाया है वो पैसा अगर आ जाए हमारे देश छत्तीसगढ़ में, निश्चित रूप से सांसदों को भी इस बात का दर्द होना चाहिए कि 33,000 करोड़ आ जाए तो इसके लिए वो केंद्र में आवाज उठाएं। ये प्रश्न पैदा किया भूपेश बघेल ने, और इसमें मैं जहां तक मान के चल रहा हूं कि इसके प्रति शायद अभी तक किसी ने प्रश्न नहीं उठाया है, और उसका कारण भी मेरे समझ में आ गया है कि देखिए कांग्रेस से आरोप लगाती है कि इतने पैसे बाकी हैं। कुछ बयान मैंने कुछ प्रवक्ताओं के किसी डिबेट में सुने हैं कि उनका कहना है कि ऐसा सच नहीं है, हम पैसा दे रहे हैं यहाँ लगा नहीं रहे हैं। तो ये सच जानना हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ा कठिन है। सूचना के अधिकार में अगर ये प्रश्न का जवाब कहीं मिल जाए तो वो हम ले ले तो हमको पता भी चल जाए, अन्यथा जो कांग्रेस कह रही है वो भी सच है और भाजपा कह रही है वो भी सच है। अब उसका सच में सच क्या है, इन दोनों के सच में वास्तविक सच क्या है? संतोष पांडे जी क्या कहेंगे, बाबूलाल जी जो बात उठा रहे हैं कमोबेश वही सवाल में भी कहा। जी जी बाबूलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, पुरस्कार का संबंध जहां तक है तो 40 पुरस्कार मिले हैं, जहां अच्छा काम होता है वहां पुरस्कार भी मिलते हैं। छत्तीसगढ़ ने बहुत से क्षेत्र में अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, संतोष जी भी इसमें इनकार नहीं करेंगे। जहां तक मिलने का प्रश्न है, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं, मैंने देखा है पहले की सरकारों में, डॉक्टर रमन सिंह के समय भी मैंने देखा है, साल में एक बार जो है सांसदों की बैठक वो मंत्रालय में लिया करते थे, कुछ आते थे कुछ नहीं आते थे, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो बुलाते थे और बैठ करके बात करने का प्रयास करते थे। खास करके नक्सल मुद्दों पे जब चर्चा होती थी तो वो सांसदों को बुलाते थे। इसकी कमी जो है इस सरकार में दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक बात, सांसद स्वयं से भी मिलने नहीं जाते, पता नहीं क्या कारण है उसका, क्या इनके मन में बात है, ये खुद भी कभी मिलने नहीं जाते, और भूपेश बघेल का भी पहल किए हो ऐसा भी मुझे नजर नहीं आया। ठीक है, संतोष जी एक साथ दो महत्वपूर्ण विषयों पर बाबूलाल शर्मा जी ने यहाँ पर बात उठाई। एक तो ये कि जो बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज उठाई है, दरअसल वो ये कहना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो राशि बची हुई है, जो पेंडिंग राशि है, जो अगर मिल जाती है तो छत्तीसगढ़ के लोगों के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों के संदर्भ में वो बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। सांसद जो हैं खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के, वो चूंकि सरकार भी केंद्र में बीजेपी की है, लिहाजा अगर इस बात को वहां पर उठाएं अच्छी तरीके से तो वो राशि हमको मिल जाएगी, तो ये तो छत्तीसगढ़ के हित की, लोगों के हित की बात है। इसके संदर्भ में संतोष जी क्या कहेंगे, क्या इस पर पहल की जाने की जरूरत है, चूंकि आप लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, आपने कहा भी कि बड़ी संख्या में लोगों ने आपको जिताकर भेजा है, तो उन्हीं लोगों के हक का तो पैसा है ये। जी जी बिल्कुल, मैं इसका उत्तर आपको दे रहा हूं। इदमेव ही पांडित्यम चातुर्या इदमेव ही सुबुद्धित्यम आया दलपतरो बया। इसमें जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार बुद्धिमानी तो यही है, पांडित्य यही है कि अपने खर्चे को जिस प्रकार से वो बढ़ाए हैं और कर्ज लेकर के जो घी पीने का काम कर रहे हैं, इसमें उनका सब प्रकार से संतुलन बजट बिगड़ गया है। और आपने ये जो कहा कि आप ये पैसा दिलाने के लिए जो 33 करोड़ रुपए बचे हैं, तो मैं इसके विषय में कहना चाहूंगा कि 19-20 में केंद्र से कुल राशि 34,000 करोड़ छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया, राज्य की कुल आय का 53% है, मतलब राज्य की कुल आय 47% है। यह रिपोर्ट की पुष्टि महालेखाकार ने किया था, और इसी में लेखाकार की ही बात 19-20 का आपको बताऊं मैं, जीएसटी 7,000 करोड़ और क्षतिपूर्ति 3,000 करोड़ ये आ गया है। उसी प्रकार से 20-21 का 38,000 करोड़ केंद्र से प्राप्त हुआ, जीएसटी का क्षतिपूर्ति लगभग 10,500 करोड़ ये प्राप्त किया छत्तीसगढ़ ने। 21-22 में कुल पैसा जो प्रस्तावित था 42,000 करोड़ रुपये, इसमें कुछ राशि आना बचा है। जी उसी राशि की तो बात हो रही है। 22-23 का जो प्रस्तावित पैसा है वो भी मिलने वाला है। यह नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे भूपेश बघेल यहाँ के जिला पंचायत और जनपद के साथ करते हैं, यहाँ के विधायकों के साथ करते हैं, ऐसा भेदभाव नरेंद्र मोदी जी नहीं करने वाले हैं।
तो संतोष पांडे जी, क्या ये आश्वासन आपकी तरफ से माना जाए कि जो राशि बची हुई है वो जल्दी ही आ जाएगी, क्योंकि सांसदों पर सीधे सीधे सवाल किए हैं? आश्वासन नहीं, आप विश्वास करिए। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल के साथ, जो केरल के साथ, जो केजरीवाल के साथ नहीं करते हैं, ऐसा भेदभाव किसी के साथ नहीं करते हैं। कोई भेदभाव नहीं है संजीव जी, कोई दिक्कत ही नहीं। आश्वासन का पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि जो राशि बची हुई है वो जरूर हमारे हिस्से की, हमारे पास में आ जाएगी। और ये केंद्रीय जो कर है, जो राज्य का हिस्सा पहले 32% होता था, मोदी जी के आने के बाद 42% और बाद में 43% हुआ है। ठीक है, ये बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है संजीव जी, क्या कहेंगे, जो आंकड़े उन्होंने रखे हैं सामने के, देखिए पिछली बार भी राशि आई है और जो बाची बची हुई है उसको लेकर भी वो कह रहे हैं कि विश्वास रखिए पैसा जरूर आएगा, हम लोग लगे हुए हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को मैं भी कुछ स्पष्ट बातें बता दूं। माननीय मुख्य, जैसा कि माननीय सांसद जी कह रहे हैं, इनकी बातों से ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि कोई पैसा बकाया है ही नहीं, और कुछ छोटी मोटी शेष राशि बची वो भी आ जाएगी, उनका ऐसा कहना है, उनका ऐसा तात्पर्य है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जानकारी देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 पत्र केंद्र सरकार को लिखे हैं, अलग अलग मदों पर जो राशियां छत्तीसगढ़ की बनती हैं, हमारे जो अधिकार हैं, हमारा जो हक है, उसके लिए 6 पत्र लिखे हैं। अगर कोई बकाया राशि नहीं है तो एक भी पत्र का जवाब केंद्र सरकार के द्वारा जवाब में बोल दें कि आपका यह पैसा नहीं बनता है, ये पैसा हम दे चुके हैं। एक भी पत्र का जवाब नहीं आया, एक भी पत्र नहीं। और दूसरी बात भैया ने, सर ने उठाई कि सांसदों को माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाते नहीं। कोरोना काल था, आपातकालीन व्यवस्था थी, ऐसे समय में जब छत्तीसगढ़ के सांसदों को, छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर में इनको, यहाँ पर इनका कर्तव्य था कि छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा करते, रक्षा करते, जिसके लिए इनको प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन इन लोगों ने छत्तीसगढ़ के कोष में एक नया पैसा देने की जहमत नहीं उठाई, एक नया पैसा छत्तीसगढ़ के कोष में इन लोगों ने नहीं दिया। उल्टे पीएम केयर में जाकर के इन लोगों ने अपने अपने आराध्य पुरुष के सामने में अपनी भक्ति दिखाने का प्रयास करने का और प्रमाणित करने का प्रयास किया। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ की जनता, जिन्होंने इनको सांसद बनाया, छत्तीसगढ़ की जनता जिन्होंने इनको राज दिलाया, छत्तीसगढ़ की जनता जिन्होंने इन लोगों को सदन तक पहुंचाया, उनके प्रति इनकी कोई निष्ठा नहीं, उनके प्रति इनका कोई कर्तव्य नहीं? छत्तीसगढ़ के कोष में एक पैसा दिया नहीं लोगों ने, इसके लिए क्या बोलेंगे? और जब ऐसी आपातकालीन स्थिति में, जब जनता यहां पर हमारी सुरक्षित नहीं थी, जब जनता को इनकी जरूरत थी, तब ये लोग जनता के साथ खड़े नहीं हुए, तो किस मुंह से ये लोग अब ये कहते हैं कि हमको बुलाया जाता है? इसको किस तरह से लिया जाए, जो बात यहां पर संजीव जी कह रहे हैं वो भी, और जो बात संतोष पांडे जी, आपके पास आता हूं मैं, आखिरी टिप्पणी आपसे लूंगा, लेकिन बाबूलाल जी, चूंकि उनसे एक ही सवाल हो पाया मेरा, चूंकि चर्चा इस तरह की चल रही है। बाबूलाल जी, आपने जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, और जो बात यहां पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी ने भी कही कि यहाँ के मुख्यमंत्री सिर्फ चिट्ठी लिख रहे हैं, जिसका जिक्र अभी संजीव जी भी कर रहे हैं, 6 चिट्ठी लिख चुके हैं। धरना दे दे, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से, पीएमओ के सामने जाके धरना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सांसदों से मिलते नहीं है, बात नहीं करते, छत्तीसगढ़ के हक अधिकार के लिए वो भी करेंगे। वो इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सांसदों से वो मुलाकात नहीं कर रहे हैं। आपने भी कमोबेश ये बात कही, इसको किस तरह से लिया जाए, किस तरह की पहल होनी चाहिए? चूंकि राशि छत्तीसगढ़ की है, वो छत्तीसगढ़ के हिस्से की राशि यहां पर आनी चाहिए, ये इनकी इन प्रकार आनी चाहिए। क्या आपसी टशन इस मामले में ज्यादा देखने को मिलती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भूपेश बघेल केंद्रीय मंत्रियों से नहीं मिलते, मैं ये बात मैंने नहीं कही है, इन लोगों ने कहा है, लेकिन मुझे जानकारी है कि जब चावल के लिए परेशानी हुई थी तो भूपेश बघेल, अमरजीत भगत जो है, कई केंद्रीय मंत्रियों के पास जाके गुहार लगाए थे, ठीक बात, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। मुझे लगता है कि वो सुनवाई नहीं होने की वजह से भूपेश बघेल के मन में ये बात आया, हमारी कोई सुनवाई तो है नहीं, जाके क्या फायदा। मुझे लगता है भाई, मैं व्यक्तिगत राय है मेरी, अभी अभी अमित शाह से मिलके आए हैं, आपके सामने है ये बातें, और भी बहुत सारे मंत्रियों से वो मिल चुके हैं पहले, वो नहीं है कि नहीं मिले, हाँ नरेंद्र मोदी से नहीं मिले, ये बात बिल्कुल सच है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर हम जाएंगे भी नहीं। मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ संतोष पांडे जी को, एक बात, उन्होंने एक बात कही थी कि डीजल पेट्रोल का जो इंटरनेशनल मार्केट का संबंध होता है, इसलिए हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मेरे को बड़ा एक आश्चर्यजनक तथ्य समझ में आया है इन चुनाव के दौरान में, कि जब यूपी और 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे तो 36 दिन तक स्थिर रहा
पेट्रोल डीजल दोनों एक पैसा न बढ़ा न घटा, तो मुझे आश्चर्य लगता है कि उस दौर में क्या इंटरनेशनल मार्केट का जो नियंत्रण था वो उन्होंने छोड़ दिया था, बल्कि उस दौर में तो इंटरनेशनल स्थिति ज्यादा थी। और ठीक 36 दिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके दूसरे दिन वो इंटरनेशनल मार्केट लागू हो गया और डेली 80 पैसे के दर से जो है जितनी कसर थी पूरी कर ली गई। तो थोड़ा ये जनता जो है इस तरीके से सोच रही है संतोष जी, इसको समझिए कुछ ऐसे। संतोष जी फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, माफी चाहूंगा, समय खत्म हो चुका है। पहले 10 सेकंड का ही मामला है, 10 सेकंड। बाबूलाल भैया कोरोना काल में क्रूड ऑयल की कीमत पानी के भाव में आ गई थी, तभी लोगों ने कौन सा मार उसमें रिलैक्सेशन दे दिया, एक पैसा नया पैसा डीजल पेट्रोल जी। फाइनल कमेंट, आप कहते हैं क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई है तो पेट्रोल डीजल बढ़ा दिए, जब क्रूड ऑयल की कीमत गिर गई थी तब क्यों नहीं कम किए पेट्रोल? ये सवाल क्या संतोष जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा इस पूरे विषय पर। प्रधानमंत्री बीजेपी सांसद बंधुआ मजदूर की भूमिका में हैं। ठीक है संतोष जी, फाइनल कमेंट संक्षेप में रखिएगा संतोष जी। और माननीय बाबूलाल जी शर्मा जी वास्तव में बहुत अच्छी बात कहे और वो समझ रहे हैं इस विषय को। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अनेक विद्यालय जो चलते हैं, जो निःशुल्क चलते हैं, 80 करोड़ परिवार को मुफ्त में अनाज दिया जाता है, आज टीकाकरण मुफ्त में दिया गया, ये सारी व्यवस्था अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं से व्यवस्था की जाती है। किंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ठीक खैरागढ़ के उपचुनाव के समय, संदीप भाई उत्तर देना, बिल्कुल भी ऐसा होगा, आपने मेरा उत्तर दिए नहीं, नगर पालिका में 2019 के चुनाव में जिला बनाने की घोषणा किए थे, आपके घोषणा पत्र में था नगर पालिका के, अभी भी हुआ, ये चुनाव के समय ही आप घोषणा पत्र बना दिए, पहले जिला बना दिए उसको बधाई तो दे दीजिए, जिला बना दिए पहले उसकी बधाई तो दे दीजिए, जिला बन गया ना बधाई दे दीजिए ना, जिला बन गया बधाई तो दे दीजिए, 40 पुरस्कार मिले उसकी बधाई दे दीजिए, माननीय भूपेश बघेल जी के लिए तालियों बजा दीजिए। संजीव जी समय खत्म हो चुका है, मेरा समय बल्कि ऊपर हो गया है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अरे दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, और जिसने भी है किया जाकर उसके घर देखो। आज छत्तीसगढ़ के हित की जो हिस्से की राशि है वो अटकी हुई है, लिहाजा मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब ये राशि की बात आती है प्रधानमंत्री जी से। संजीव जी माफ कीजिए, अधिकार का ये चर्चा यहाँ पर इस तरह से लंबी चलती रहेगी, मुझे इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के हिस्से की राशि को लेकर जो चर्चा शुरू हुई है और सीधे सीधे आरोप चुकी सांसदों के ऊपर लगे हैं कि सांसद पूरी मुखरता से अपनी बात वहां पर इस सिलसिले में रख नहीं पाते, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि पहले भी राशि आई है, लिहाजा आगे भी विश्वास रखिए सारी राशि जो छत्तीसगढ़ के हित की है, जो हिस्से की है, वो जरूर आएगी। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना है, नमस्कार।